Hello everyone, I have a very special guest in front of us, Miss Swati Garg, who has scored 99.66 percentile in the September 2020 exam in Commerce subject. Welcome Swati and very congratulations to you that you have cleared this exam with such high percentile. Congratulations. Thank you so much, ma'am. Hello, good morning everyone. इट वॉज गुड. जब मेरी आंसर की आई थी तो उस टाइम पे मैंने आंसर्स भी चेक नहीं किए थे कि मुझे कहीं मैं ऐसा ना हो कि क्लियर ही ना कर पाऊँ. मुझे डर था अंदर से बहुत. जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं बहुत बहुत खुश थी. मीन्स मैं उनको वर्ड्स में भी नहीं बता सकती. मुझे मीन्स बिलीव नहीं हो रहा था. मैंने दो तीन बार चेक किया कि मैं कुछ गलत तो चेक नहीं कर रही हूँ. फिर फाइनली पता चला कि हाँ ये सही है. इतने अच्छे आपने स्कोर से JRF क्लियर किया है. कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. थैंक यू मैम. सो टेल अस अबाउट योर क्वालिफिकेशन. व्हाट हैव यू डन बिफोर क्लियरिंग दिस एग्जाम. टेल अस अबाउट योर प्रीवियस कोर्सेज दैट यू हैव टेकन. कोर्सेज लाइक योर व्हाट हैव बीन योर क्वालिफिकेशंस बिफोर टेकिंग दिस एग्जाम. ओके. After senior secondary, first of all, I have done BCom from Delhi University, then MCom from IGNU. Then I attempted first time NET. और उस time पे मेरा एक means मैंने दोनों के लिए apply किया था, NET के लिए भी और JRF के लिए भी, और दोनों में से कुछ भी clear नहीं हुआ था. अच्छा. उसके बाद मैंने दोबारा से prepare किया. शायद वो lack of preparation था और confidence की भी कमी थी. उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हुआ था. और नेट क्लियर होने के बाद मैंने DU में, IGNU में, इन सब में अप्लाई किया और उसमें एज अ गेस्ट फैकल्टी में काम कर रही हूँ दोनों में ही. और उसके बाद दो ढाई साल बाद जब ये लॉकडाउन का पीरियड आया तो मैंने सोचा कि दोबारा से नेट JRF के लिए ट्राई करना चाहिए. फिर मैंने नेट JRF अभी मार्च 2020 में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन इसकी. और प्रिपरेशन के बाद मैंने पूरा टाइम कंसिस्टेंटली स्टडी की. तो उसका रिजल्ट आपके सामने ही है. वेरी नाइस टू हियर दिस. एंड हैट्स ऑफ टू योर विल पावर कि आपने कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहे. नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर यू टू प्रिपेयर दिस एग्जाम. व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. मैंने अपनी प्रिपरेशन बेसिकली मार्च 2020 में स्टार्ट की थी. और जब स्टार्ट की तो उसके बाद मीन्स आप ऐसे नंबर ऑफ आवर्स तो नहीं बता सकते हो कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की या कितने दिन पढ़ाई की. हो सकता है कि मैंने बीच में दो तीन दिन स्किप भी की हूँ क्योंकि फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, कभी किसी की प्रॉब्लम कभी किसी की. तो उसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि आप जैसे कोई भी चीज कर रहे हो टॉपिक वाइज करो तो आप उस चीज को मत छोड़ो. टॉपिक वाइज प्रिपेयर करो, नोट्स बनाओ. आप फर्स्ट डे से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करो कि आप अपने बेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो. जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी 10 यूनिट्स में से बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था. उसका मुझे पढ़ने में, नोट्स बनाने में टाइम कम लगा. और हर टॉप यूनिट को खत्म होने के बाद उनके जिस भी सोर्सेस से आप कोशिश कर सकते हो क्वेश्चंस ट्राई करो. और अलग अलग चैनल्स मीन्स जैसे टेलीग्राम पे अलग अलग चैनल्स हैं उनको रेफर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ. क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिले लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपको बहुत सारी जगह पर गलत आंसर्स भी मिल सकते हैं. तो आपको गलत और सही में पहचान करना बहुत जरूरी है. हो सकता है कि किसी ने गलत आंसर मार्क कर दिया और आपने समझा कि शायद मैं गलत हूँ. अगर आपको किसी पे भी डाउट हो रहा है तो आप किसी को कांटेक्ट करके जो भी आपका मेंटर है उससे आप बात कर सकते हो कि ये आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है. तो या फिर आप सर्च भी कर सकते हो खुद. आप इस लेवल पे हो तो आप सर्च कर सकते हो कि मैं कहाँ पर गलत हूँ कहाँ पर सही हूँ. तो आप वो ज्यादा बेटर है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी जगह पर अगर आप साइट पे चेक करते हो तो क्वेश्चंस के आंसर्स गलत भी होते हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं. तो हमें खुद ध्यान रखना है उस चीज. वेरी नाइस बाती. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने बुक्स कौन सी रेफर करी और कौन सा स्टडी मटेरियल आपने रेफर किया टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम.
किसी भी पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है. सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स आपकी प्रिपरेशन के टाइम आपके साथ हो, क्योंकि वही आपके बेसिक्स पे, वही आपके कॉन्सेप्ट को मेंटेन करके रखेंगे. और अच्छा है कि अगर आपके पास 11, 12 की बुक्स भी हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपके वहां से भी हैं, तो आप अगर 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को अच्छे से जानते हैं, उनकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और साइड बाय साइड आप आजकल तो नेट पे सब कुछ मिलता है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा. मैं बार बार यही कहूंगी कि इम्पोर्टेंट है आप पहचान पाए कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लिंक्स पे आपको अलग अलग स्टडी मटेरियल मिलेंगे. हो सकता है वो इररिलेवेंट भी हो, और इररिलेवेंट के साथ साथ गलत होने के चांसेस भी होते हैं. तो जैसे आप, जैसे शुभम सर का एक सेशन आता था जब मैं पढ़ती थी, अब तो मुझे नहीं पता कि अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे उनका इवनिंग 7 o'clock हमेशा एक सेशन आता था. तो 7 o'clock का सेशन मैंने उनका कंसिस्टेंटली देखा है. उसमें आप मीन्स पहले वो स्टार्टिंग में 5 questions लेते थे, 5 questions में से वो हर ऑप्शन का रीजन बताते थे कि वो गलत क्यों है, वो सही क्यों है. और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए थे जब एग्जाम डेट अनाउंस हुई थी. नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनाउंस करके उन्होंने बढ़ा के फिर उन्होंने कोशिश की कि वो क्वेश्चन समझा सके. लेकिन मीन्स बच्चे जो भी क्वेरी पूछते थे वो हमेशा क्लियर करते थे. ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए तो मीन्स उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहेगी. तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि स्टडी मटेरियल रेफर करते टाइम भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करें. तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप साइमल्टेनियसली नोट्स बनाओ, इस बात का ध्यान. अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको 3-4 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा कि आपने फर्स्ट मंथ में क्या पढ़ा था. नहीं, ये बिल्कुल जो शिवम सर की वीडियोस रहती है लाइव सेशन, वो हर बैच के लिए प्रिपेयर करते हैं. ही विल टेक ऑल दीज वीडियोस फॉर एवरी सिंगल बैच, ही वुड बी टेकिंग ऑल दीज दोस वीडियोस नेक्स्ट बैच. और उनका मैराथन सेशन तो बहुत बेनिफिशियल था. और वैसे भी अगर वो लाइव सेशन भी थे तो वो भी रिकॉर्डेड सेशन उनके चैनल पे भी होंगे. तो आप मीन्स जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं कि उनके जो मैराथन सेशन थे वो कितने फ्रूटफुल थे. जैसे आपकी एक यूनिट खत्म हो रही, क्योंकि वो हर यूनिट पे एक सेशन लेकर आए थे. तो आप ये भी कर सकते हो कि आपकी एक यूनिट खत्म हुई है तो आप उनका मैराथन सेशन देख लो. आपको उसी टाइम क्लियर हो जाएगा कि आपकी एक यूनिट कितने अच्छे से प्रिपेयर हुई है. फिर जहाँ पे भी आप लैक कर रहे होंगे आप उसको ठीक कर सकते हो उसी टाइम पर. थैंक यू स्वाति, थैंक यू फॉर दैट आंसर. दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका रूटीन क्या रहा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी टू क्रैक दिस एग्जाम. सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपका बेसिक है वो है कंसिस्टेंसी. आप जब भी कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो एक कंसिस्टेंसी के साथ करो. सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस देख के आप, आपके पास जैसे कॉमर्स की बात करें तो आपके पास 10 units हैं. 10 units में से आप अपना बेस्ट पार्ट उठाओ, जो भी आपका बेस्ट पार्ट है उसे पढ़ना शुरू करो टॉपिक वाइज. हर दिन आप एक टॉपिक, हर दिन के लिए एक टॉपिक पहले से डिसाइड कर लो कि मैं ये टॉपिक पहले कर लूंगी. मीन्स जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें उसमें 5 या 6 topics हैं, तो आप 6 दिन में एक यूनिट को खत्म कर सकते हो. 6 दिन में एक यूनिट खत्म करके आप 2 दिन उसके रिविजन को बहुत अच्छे से दो. बहुत मीन्स कोई जल्दी नहीं है कि आपको फटाफट फटाफट कोर्स खत्म करना है. अपनी यूनिट्स को कंप्लीट करने के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं, ये जरूरी है. अगर आपको कहीं पे भी मन में डाउट आ रहा है, क्योंकि हमें हम कितने पानी में, हमें पता होता है जब हम क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे होते हैं. मैं अपने दिल को खुश करने के लिए ये नहीं कह सकती अरे हो गई है यूनिट. लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपके आंसर गलत आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप खुद को अंधेरे में ना रखें कि नहीं मेरी यूनिट प्रिपेयर होगी. गलतियां तो हो जाती हैं, गलतियां अगर यहाँ होंगी तो सुधर सकती हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जाके होगी तो प्रॉब्लम होगी. तो मतलब वो बेटर है कि यू शुड नॉट लाइक टू योरसेल्फ. अपनी प्रिपरेशन के बारे में आपको खुद पता होना चाहिए. तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछूंगी कि आप फिर मॉक टेस्ट और पास्ट ईयर्स कैसे प्रिपेयर करके जाते थे, जब आपको पता है कि टेस्ट करना है आपको अपनी नॉलेज का. यू कैन नॉट लाइक टू योरसेल्फ. सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पास्ट ईयर्स एंड मॉक टेस्ट. टू बी फ्रैंक, मैंने एक बारी पास्ट ईयर करने की ट्राई की थी, जो कि आपकी एनटीए की साइट पे मिल जाते हैं, प्रोवाइड होते हैं. तो मैंने एक पेपर किया भी था उसका. मीन्स उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें 150 questions back to back थे.
तो 150 क्वेश्चंस आपकी पूरी प्रिपरेशन के बाद भी ना बैक टू बैक मेरे अकॉर्डिंग तो बैठ के नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती, बाकी आपकी स्टैमिना एनर्जी का मुझे नहीं पता. तो मैंने 50 क्वेश्चंस ट्राई किए, तो मैं ये सोच रही थी कि 50 के बाद मुझे मेरा रिजल्ट पता चल जाएगा पेपर वन का, फिर मैं पेपर टू के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर करना शुरू करूंगी. तो मैंने 50 क्वेश्चंस ट्राई करे, फिर उसने मुझे 51 क्वेश्चन दिखा दिया, 51st क्वेश्चन दिखा दिया. मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने बंद कर दिया. अच्छा अच्छा. फिर उसके फिर मैंने कोई पास्ट ईयर मार्क नहीं किए, कुछ मॉक टेस्ट नहीं देखा, क्योंकि आई थिंक उस पर 3 घंटे इन्वेस्ट करने से बेटर है कि हम अपने जो अलग अलग रिसोर्सेज से, क्योंकि हो सकता है कि अब उसमें तो सारे मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, पर मेरा कोई टॉपिक बहुत वीक और कोई टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो सकता है. तो मैं अपने स्ट्रांग टॉपिक्स को भी साइमल्टेनियसली चल के मैं वीक टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दे सकती हूँ, अगर मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करूँ तो. अलग अलग तरीके से. हाँ जी. तो आप कितने मॉक टेस्ट लेके गए थे बिफोर योर एग्जाम? बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, स्टूडेंट आस्क अस दिस क्वेश्चन कि कितने मॉक टेस्ट करके जाऊं मैं, कितने साल के पास्ट ईयर्स देख के जाऊं. नहीं, आप पास्ट ईयर पे तो रिलाई नहीं कर सकते हो. जैसा कि हमने देखा कि पास्ट ईयर, जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, हो सकता है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा था कि इस बार के एग्जाम में मैनेजमेंट से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे. कंपैरेटिवली अगर आप कॉमर्स पार्ट की बात करो, जैसे कि आपके अकाउंट्स के क्वेश्चन बहुत कम थे, और हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, मार्केटिंग मैनेजमेंट से, इन सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे. आपके 10 यूनिट्स में से आप किसी भी यूनिट को स्किप मत करो. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप, मतलब मेरे एक दो नोन ने ऐसा किया कि उन्होंने 8 या 7 कि 7-8 यूनिट कर लेंगे, तो उसमें से 20 क्वेश्चन ही तो छूटेंगे. जो भी 70-80 क्वेश्चन होंगे, अगर वो भी ठीक हो जाते हैं, 80 में से 70 भी ठीक हो जाते हैं, तो JRF क्लियर हो जाएगा. लेकिन 80 क्वेश्चन किस लेवल पे आने वाले हैं हम नहीं कह सकते. और दूसरी बात, जो आपने 2 यूनिट छोड़ी है, अगर मेजोरिटी पार्ट उसमें से आ गया तो आपके क्लियर करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. बहुत कम हो जाते. मतलब आप पास्ट ईयर्स पे रिप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, और छोड़ के आप नहीं जा सकते यूनिट्स में से कोई भी पार्ट. जैसे कि शुभम सर की मुझे एक बात याद है, वो हमेशा एक बात बोलते थे कि पास्ट ईयर के आप पेपर पे रिलाई नहीं कर सकते. पास्ट ईयर बच्चे पास ईयर मार्क करके जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसे मैचिंग क्वेश्चन आता है ना, तो वो आंसर देखते हैं कि अच्छा हाँ उसमें ये वाला आंसर था, उसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करते. हो सकता है कि पिछली बार आंसर कुछ और था, तो उस बार क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर दिया गया हो और आंसर कुछ और हो. तो बच्चे लाइव सेशन में भी गलत आंसर दे रहे होते थे. तो सर हमेशा एक ही बात बोलते थे कि पास्ट ईयर क्वेश्चन को जो आपने मार्क किया है उसको भूल के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. तो पास्ट ईयर में ये प्रॉब्लम भी हो जाती है. तो पास्ट ईयर नहीं, मतलब उस पे रिलाई मत करो, कॉन्सेप्ट्स पे रिलाई करो. हाँ. ओके, थैंक यू फॉर दैट आंसर टू. मुझे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि आप, बिकॉज यू आर टेकिंग क्लासेस, यू आर ऑलरेडी टीचिंग, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान? आर देयर प्लान्स फॉर PhD रिसर्च? यस मैम, आई एम थिंकिंग टू परस्यू PhD इन कॉमर्स. तो मैं अभी अपने टॉपिक को रिसर्च ही कर रही हूँ कि किस टॉपिक पे रिसर्च करनी चाहिए, तो मैं उसी के लिए अभी काम कर रही हूँ. ओके ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. सो दैट ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव आवर स्टूडेंट्स कि वो कैसे प्रिपेयर करें इस UGC नेट एग्जाम के लिए, विच इज अ सच अ प्रेस्टिजियस एग्जाम दैट एवरीबॉडी वांट्स टू क्रैक इट. व्हाट इज योर एडवाइस? मेरी एडवाइस यही रहेगी, सबसे पहले आप सिलेबस देखो, टॉपिक्स देखो, और टॉपिक वाइज प्रिपेयर करो, और प्रिपेयर करने के साथ साथ नोट्स बनाओ और अच्छे अच्छे सोर्सेस को यूज करो. अगर आप शुभम सर की वीडियोस देखते हो तो आपको एक लेवल का पता चलता है कि हाँ आपको इससे इतना लेवल आपके लिए काफी है. अगर आप अलग अलग उनकी वीडियोस भी देखते हो, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियो देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी. मीन्स आपको सही और गलत में भी डिफरेंस कर पाओगे फिर कि नहीं उन सर ने तो ये वाला आंसर बताया था, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए. अगर आप कोई लाइव सेशंस की बात करते हो, तो लाइव सेशन में जैसे अगर शुभम सर का कोई लाइव सेशन होता है और आप उनके क्वेश्चन से हटके कोई क्वेश्चन पूछते हो, वो उसका भी आंसर करते हैं. और अगर आप टेलीग्राम चैनल की बात करते हो, तो उनके टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ अगर आप क्वेरी पोस्ट करते हो, तो वहाँ के ग्रुप मेंबर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, और अगर वो आंसर नहीं कर पाते हैं तो शुभम सर रिप्लाई करते हैं उनके आंसर. तो क्वेरीज आप नो डाउट आप कहीं से भी कैसे भी क्लियर कर सकते हो.
तो आपकी एडवाइस यही रहेगी कि आप कंसिस्टेंटली तैयारी करें, नोट्स बनाएं और उनको रिवाइज करें एंड डू आस्क क्वेश्चंस ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. थैंक यू फॉर दैट आंसर. खुद से झूठ ना बोले. खुद से झूठ नहीं बोले. एग्जैक्टली आपकी सबसे बड़ी एडवाइस यही है बच्चों के लिए कि अब वो खुद से झूठ ना बोले, खुद को अच्छे से टेस्ट करें. थैंक यू फॉर दैट आंसर. आई एम श्योर दिस विल benefit so many people out there who are trying to prepare for this exam, who are taking this exam. Thank you, Swati. Thank you for the guidance. Thank you for this interview. Have a very nice day. Thank you, ma'am. You too. Thank you.